तो भैया जी, अभी हम आए हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। यहाँ पे आ रहे हैं अपने फेवरेट कैमरा वाले भैया उर्फ सोमेश भैया, और उनके साथ और भी चार कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं। वो मेरे को अभी यहाँ पे आके पता चला, मेरे को सोमेश भैया के बारे में ही पता था। तो और अंदर जो भी होगा वो हम आपको दिखाएंगे, और मेरे साथ मेरा फ्रेंड है जिसके साथ मैं आया हूँ, और चलते सीधा अंदर। वॉल्यूम बढ़ाओ यार, वॉल्यूम। इस सफर पे हम निकले तो अकेले थे, पर अब सबको साथ लेके चला था। क्या आप चलेंगे? चलेंगे। Let's all give a warm welcome to Sumesh. मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब कहाँ कहाँ से आया था, ये तो बताएं थोड़ा। मतलब हिंदू कॉलेज के बाहर से कौन कौन है? बहुत अच्छा लगा मुझे। दयाल सिंह कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, प्रयागराज, दिल्ली से बाहर से कौन कौन है? दिल्ली के बाहर बनारस। तो अभी शुरू करते हैं। तो पहले तो सबको नमस्कार और थैंक यू फॉर कमिंग। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। तो आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे। आप चीज़ें की हैं ये सब आपके वजह से। क्यों? क्योंकि आप लोगों से अगर इतना प्यार नहीं मिलता तो शायद तक ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए थे जब मैं डाउन चला गया। मैंने बोला यार क्या करूँ यार, क्या नहीं किया जा रहा, इतना तो हो नहीं रहा। तो वही चीज़ है कि मोटिवेशन जो है वो आपको आपकी तरफ से ही आया है। तो आज जो हम हैं यहाँ पर वो आप ही की वजह से है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कभी ना एक लाइन बस याद रखना कि क्वांटिटी के बारे में मत सोचो, क्वालिटी के बारे में सोचो। मैंने एक साल हुआ मुझे वीडियो बनाए हुए, मैंने सिर्फ 25 वीडियो बनाई यूट्यूब पे, 25 वीडियो डाली, 1,00,000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हुए एक साल में। तो 25 वीडियो में 1,00,000 सब्सक्राइबर्स बहुत सारे डेढ़ फिर भी नहीं हुए। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई मेहनत करो एक वीडियो में इतनी कि 100 वीडियो में जितनी करनी पड़े, मतलब 100 वीडियो में जितनी आपको मेहनत करनी पड़े ना उतना एक वीडियो में डालो। एक महीना लो, एक वीडियो बनाओ और उसको डालो, और फिर लोगों का उससे फीडबैक लो, लोगों से सीखो, उनसे पूछो कि क्या गलती की है, क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी तो आप धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये लेवल है, मुझे ऐसी ही और वीडियोज़ बनानी है। तो क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, स्किल डेवलप करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मैं 5 साल से फोटोग्राफी कर रहा था, बट मैंने अगर वीडियो स्टार्ट नहीं किया होता तो शायद तक आज मुझे इतना प्यार नहीं मिला। तो वही है, आप स्किल डेवलप करते रहिए, आप अलग अलग चीज़ें सीखते रहिए, क्योंकि अब क्या है वीडियोज़ का ज़माना आ चुका है। जैसे कि 3G से हम 4G जाते हैं, मेरे को याद है मैं 2G चलाता था बहुत टाइम पहले, आई गेस मैं जब स्कूल में था ना तो 2G का इंटरनेट आता था,
2 GB मिलता था या 1 GB मिलता था, एक महीना चलाया मैं पढ़ता था उसमें। हम लोग फेसबुक नेट ऑन करते थे, फेसबुक का होम पेज खोलते, जैसे ही लोड होता था फिर नेट बंद कर दिया। अब फिर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते, फिर थोड़ा नेट ऑन किया, दूसरा पेज खोला, तो ऐसे चलाते थे। और आज आप धड़ल्ले से चला रहे हो, ऐसे स्क्रॉल करते जैसे आपको कोई चिंता ही नहीं है। तो वही चीज़ है कि डेवलपमेंट जैसे बढ़ा है ना, जैसे 2G से 3G, 3G से 4G आया, तो लोगों ने कंटेंट बहुत कंज्यूम करने लगा। मैं एक जाया हुआ हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये बहुत प्यारे लोग, बहुत ही बेहतरीन और बड़ा ही मजा आया आपसे बात करके। अच्छा लगा आपको? अभी काम करते हैं, वर्टिकल में मिले जी भैया जी, तो ये हिंदू कॉलेज जाया हुआ था, बड़े ही प्यार लोग हैं यहाँ पे और बहुत ही बेहतरीन लगा, बड़ा मजा आया मुझे। क्यों, आपको मजा आया क्या? दूर से कौन से आए, दूर दूर से कौन लोग आए? अच्छा कहाँ कहाँ से आए आप? नेपाल, बिहार से, जो एक मैंने बहुत दूर दूर से किया है। चलिए आप लोग सबको सुन के जाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है? और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग आए और बड़ा मजा आया आपसे। Thank you so much, Bhaiya, for taking out the time to be with us. हाँ जी भैया, ये कैसे है? सब बढ़िया, एकदम मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया एकदम। थैंक यू जी। टाइम तो बता दो यार, अभी आ रहे हैं क्या? हाँ, ग्रुप फोटो ले लेते हैं। मेरा फोन मेरे पास ही, हमारे फोन मेल कर देंगे, मेल कर देंगे, मैं मेल करता हूँ आपको। एक फोटो ले लेते हैं बस, डाल लेता हूँ भैया। तो भैया जी, अभी हम कैमरा वाले भैया का स्टेशन सुन के आए हैं, मेरे साथ में उसने और ऑफिस में बिल्कुल इतना करीब हाथ मिलाया उनसे, और भैया जी ने बोले कि 5 मिनट में बाहर आएगा, बाहर आया तो बात मिलेंगे, तो उनसे मिलते हैं अभी और उनसे सोच रहे थोड़ी सी बातें करूँ, बहुत मज़ा आया। फोटो खींचेंगे आप? कुछ काम से आए हो? हंसराज कॉलेज से। क्या क्या सब्जेक्ट है? संस्कृत कॉमर्स पढ़ रहे हैं। सही है, बढ़िया है भैया जी। आप जब भी कंटेंट शूट करने जाते हो बाहर, तो सोलो शूट करना प्रेफर करते हैं पार्टनर के साथ, क्योंकि कभी कभी ब्लॉग में अपने आप को भी जाना पड़ता है? हाँ, तो देखिए मैटर करता है, कभी कभी अचानक से प्लान बनता है तो अकेले जाना पड़ता है, अगर कोई चल रहा है तो फिर उसको साथ में लेके चलते, तो मोस्टली डिफरेंट सीनारियो रहता है। सोलो या पार्टनर के साथ? सोलो भी सही है, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आपको थोड़ा डर लगता है कि यार मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे, क्या नहीं करना है क्या नहीं करना है, तो तब आप किसी को लेके जाओ तो ज़्यादा सही रहता है, ताकि आपको डर भी कम लगे, आपकी कोई हो जाए, वो भी हो जाएगा। भैया जी आपको पोर्टेबिलिटी के लिए लैपटॉप लिया था या फिर आपका पीसी लेने का मन नहीं था? पोर्टेबिलिटी। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैमरा वाले भैया को पूरा घेर रखा है,
बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही उनसे बात करने की, फिर भी मैंने आप उनसे वन टू वन बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे थोड़ी बहुत आगे जा के फोटो खिंचवाऊँगा, क्योंकि वो मेरी इंस्पिरेशन है, इसलिए उनसे मैं फोटो खिंचूँगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है सीन। लास्ट मैंने सेवन वंडर्स किया, वो भी दिल्ली में घूम रहे हो। अच्छा, आउटर अभी तो आप यू ही काम करते रहिए, अच्छा काम कर रहे हैं और आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच आप यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा। आपका हेड जो है अंजी भैया, नमस्कार, आप कैसे हैं? अनुज जी हमारे साथ हैं, अनुज द ब्लॉगर, और ये आजकल सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में घूम रहे हैं दिल्ली में जो है दिल्ली वाले। जल्द ही आप बाहर भी जाएं और बाहर के सेवन वंडर्स को भी कैप्चर कर पाए। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं भैया जी, तो फिर मिलते हैं भैया जी। छवि भैया जी से उर्फ कैमरा वाले भैया जी से बहुत कुछ सीखने को मिला और आज उन्हें बहुत मज़ा आया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।